गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेटर 6 के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं उसके बारे में नहीं किया गया। अगर आप टर्मिनेटर के फैन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 2019 में टर्मिनेटर रिलीज होने वाली है। 1984 में जेम्स कैमरन इस मूवी को लेके आए थे और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। वैसे देखा जाए तो टर्मिनेटर के टोटल 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें से 3 पार्ट सुपर डुपर हिट रहे और 2 पार्ट ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आए। 2019 में टर्मिनेटर 6 रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि टर्मिनेटर को जेम्स कैमरन डायरेक्ट नहीं करेंगे। टर्मिनेटर के लिए जिस डायरेक्टर को चुना, उस डायरेक्टर ने आज तक हॉलीवुड में एक ही मूवी डायरेक्ट की है, फिर भी जेम्स कैमरन ने टर्मिनेटर 6 के लिए उस डायरेक्टर को चुना। क्या दोस्तों आपको मालूम है वो डायरेक्टर कौन है जिसको हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने चुना? उस डायरेक्टर का नाम है टिम मिलर। वैसे देखा जाए तो टिम मिलर ने हॉलीवुड में एक ही मूवी डायरेक्ट की है, इसी वजह से टिम मिलर को ये मूवी मिली। टिम मिलर ने हॉलीवुड में एक ही मूवी डायरेक्ट की थी और उस मूवी का नाम है डेडपूल। डेडपूल की वजह से ही टिम मिलर को टर्मिनेटर 6 मिली, क्योंकि डेडपूल जेम्स कैमरन को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वैसे टर्मिनेटर के टोटल 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें से 2 पार्ट जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट किए थे। पहला पार्ट डायरेक्ट किया था 1984 में और दूसरा पार्ट डायरेक्ट किया था 1991 में। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि टर्मिनेटर के 6th पार्ट में लीड रोल में आर्नोल्ड रहेंगे, और ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि दोस्तों आर्नोल्ड की उम्र अभी 70 साल हो चुकी है। टर्मिनेटर के 6th पार्ट में आर्नोल्ड को यंग दिखाना टिम मिलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आर्नोल्ड अभी बूढ़े हो चुके हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लिखी है जेम्स कैमरन ने, और इस मूवी में हर एक चीज जेम्स कैमरन ही डिसाइड करेंगे। वैसे दोस्तों इस मूवी का नाम टर्मिनेटर 6 तो नहीं है। दोस्तों जेम्स कैमरन ने बताया कि टर्मिनेटर 6 की स्टोरी 1991 में आई टर्मिनेटर जजमेंट डे के बाद की स्टोरी होगी। दोस्तों टर्मिनेटर की सीरीज समझने के लिए आपको 1984 वाली टर्मिनेटर देखनी होगी और उसके बाद 1991 में आई टर्मिनेटर जजमेंट डे भी देखनी होगी। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा 2019 में आने वाली टर्मिनेटर 6 के बारे में। अगर दोस्तों आपने टर्मिनेटर 1 नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जो 1984 में आई थी, और उसके बाद टर्मिनेटर 2 भी आपको देखनी पड़ेगी। और टर्मिनेटर 2 आई थी 1991 में, और दोस्तों ये दोनों मूवी जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट की थी, जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट में से एक थी। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि टर्मिनेटर 3, 4 और 5 जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट नहीं की थी, क्योंकि टर्मिनेटर 2 के बाद जेम्स कैमरन ने टाइटेनिक के प्रोजेक्ट पे फोकस किया था। तो दोस्तों ऐसी ही न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।